दोस्तों, हाल में हुए लोकसभा चुनाव में बहुत सारे अचंभित करने वाले नतीजे सामने आए हैं और इसमें 4 नव निर्वाचित सांसद ऐसे चुने गए हैं जो केवल 25 वर्ष की आयु में पवित्र संसद भवन से अपनी राजनीतिक जीवन का प्रारंभ करेंगे। वैसे इस लोकसभा की औसतन आयु 55 वर्ष है, लेकिन इन चारों जेन जी सांसदों ने संसद भवन को कुछ और ज़्यादा ही युवा बना दिया है। चलिए अब ज़्यादा समय न गंवाते हुए देखते हैं कि यह नवयुवा सांसद कौन है। नंबर 4 पर है मछली शहर उत्तर प्रदेश से चुनकर आई हुई प्रिया सरोज। वे केवल 25 वर्ष आयु की एक प्रतिभाशाली युवती है जो पेशे से अधिवक्ता यानी एडवोकेट है। समाजवादी पार्टी से चुनकर आने वाली प्रिया सरोज ने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो LLB नोएडा की अमेठी यूनिवर्सिटी से पूर्ण किया है। वे भूतपूर्व सांसद तूफानी सरोज की सुपुत्री है। नंबर 3 पर है शांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर बिहार से पहली बार सांसद बनी है। शांभवी का जन्म 15 जून 1998 में हुआ था। वे चिराग पासवान की राजनीतिक पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की युवा सांसद है। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूर्ण किया है। उनके पिता अशोक चौधरी बिहार के भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री है। वे प्रसिद्ध भूतपूर्व IPS ऑफिसर तथा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल की बहू है। वही नंबर 2 पर है भरतपुर राजस्थान से चुनकर आई युवा सांसद संजना जाटव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस युवा सांसद का जन्म 1 मई 1998 में हुआ था। संजना ने BA LLB तक पढ़ाई की और वे पेशे से अधिवक्ता है। एक मध्यम वर्ग से आने वाली संजना के पति राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है तो उनके पिता हरभजन ठेकेदार है। और नंबर 1 पर है भारत के सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज। केवल 25 वर्ष 3 महीने 3 दिन की आयु में सांसद बनने वाले पुष्पेंद्र का जन्म 1 मार्च 1999 को हुआ था। उनके पिता इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के विधायक है। कौशाम्बी से सांसद बनने वाले पुष्पेंद्र समाजवादी पार्टी से है और उन्होंने लंदन की क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूर्ण की है। पुष्पेंद्र ने चंद्रायणी मुर्मू का सबसे युवा सांसद का रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान प्रस्थापित किया है। इनमें से आपको कौन सा सांसद सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी और विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, हम प्रयास करेंगे कि उस विषय पर क्वालिटी कंटेंट हम दे सकें। खैर, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।